हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू याग्या वीएम। आज की क्लास में हम देखेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स एंड द डेजर्ट्स इन एशिया। ठीक है, एशिया के इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स और डेजर्ट्स देखेंगे। यहाँ अभी तक हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट देख लिया, इम्पॉर्टेंट ओशंस और गल्फ देख लिए। ठीक है, सो वी विल सी द माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स टुडे। आई वेलकम एवरीबॉडी टू द सेशन। ओके, सबसे पहले देखिए रशिया में। ठीक है, रशिया में यहाँ पे आपको मिलेगा द चुखोस्क सी। ओके, यहाँ पे जब हमने जब हमने सी किया था, ठीक है, सी कवर किया था, तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपको चुखोस्क सी मिलेगा। उसके नीचे देखिए चुखोस्क रेंज। ओके, चुखोस्क रेंज, इसके चारों तरफ आप गोल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे व्लादिवोस्तोक थी, ओके, यहाँ पे जहाँ पे व्लादिवोस्तोक थी, यहाँ पे आपको सिखोटे अलिन माउंटेन्स मिलेगी। ठीक है, सिखोटे अलिन माउंटेन्स। लास्ट क्लास अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा तो आपको याद है कि ये सारे जो स्ट्रेट है ये क्या है। यहाँ पे आपको तारतारी स्ट्रेट मिलेगा, यहाँ पे सोया स्ट्रेट, फिर यहाँ पे शुगारू, फिर यहाँ पे सुशीमा, यहाँ पे कोरिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होगी। इसके अलावा एशिया में ऐसा कोई इस्थमस है क्या? तो हाँ, एशिया में एक इस्थमस है जिसके जिसे कहते हैं क्या, इस्थमस ऑफ क्रा। ठीक है, ये थाईलैंड को मलेशिया से जोड़ती है। ठीक है, हाँ, अब हम आ जाते हैं माउंटेन रेंजेस में। सबसे पहला माउंटेन रेंज है चुखोस्क, चुखोस्क रेंज। उसके बाद देखिए यहाँ पे व्लादिवोस्तोक के पास सिखोटे एलिन माउंटेन्स। व्लादिवोस्तोक कौन सी एरिया है? वो एरिया है व्लादिवोस्तोक जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट व्लादिवोस्तोक और ईस्टर्न रशिया के डेवलपमेंट में दी जाएगी। ठीक है, ओके। सो फिर देखिए वेरी यूनिकली जब हम चाइना को देखे ना, तो यहाँ पे जितने माउंटेन्स है सबके पीछे शान लगता है। ठीक है, सारे माउंटेन्स के नेम में एक शान ज़रूर लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे दलाऊ शान, तियांग शान, वूही शान, अलान शान, अल्टून शान, नान शान, कुनलुन शान, ये जो जितने शान के नाम के हैं ना, ये सब चाइना के माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये सारे चाइना के माउंटेन रेंजेस हैं। अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो जैसे आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि कुछ भी किसी भी अगर माउंटेन के साइड में शान का नाम लगा हो तो फिर वो माउंटेन्स है चाइना में। ठीक है, वो सारे माउंटेन्स है चाइना में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा दलाऊ शान, वूही शान, आपका अलान शान, नान शान, अल्टून शान, कुनलुन शान, ये सारे माउंटेन्स है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर माउंटेन्स। उसके बाद आप देख सकते हो म्यांमार। जब हम म्यांमार की बात करें तो यहाँ पे शान नाम का एक प्लेटू है। ठीक है, म्यांमार में शान नाम का एक प्लेटू है। इसके तरह इसके चारों तरफ आप गोल कर सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटू है। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं सीधा पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में आपको दो रेंजेस मिलेंगे, एक है सुलेमान रेंज और दूसरा है किरथर रेंज। ठीक है, सुलेमान रेंज आपके ईस्ट साइड में आएगा। मतलब अगर सुलेमान और किरथर की बात करें तो सुलेमान विल बी इन द ईस्ट टू किरथर। ठीक है, सुलेमान रेंज, किरथर रेंज आपको मिलेगा कहाँ पे? पाकिस्तान में। और यहाँ देखिए पाकिस्तान ईरान के साथ बाउंड्री शेयर करती है, राइट और नॉट? तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जो कि इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। इस माउंटेन का नाम है कोहे सुल्तान। ठीक है, सो इसे आप वहीं पे लिख लीजिए, ये मैप में नहीं है। इस माउंटेन को क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज कोहे सुल्तान माउंटेन, जो कि पाकिस्तान और ईरान के बीचों बीच है। ठीक है, राइट। और उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे? वी विल कम टू ईरान। ठीक है, ईरान में आ जाते हैं। ईरान में आपको कुछ तीन इंपॉर्टेंट माउंटेन्स मिलेंगे। ठीक है, ईरान में वी विल फाइंड थ्री इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा है माउंट दमावंद, माउंट दमावंद। दमावंद एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ठीक है, दमावंद क्या है? एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ठीक है, और उसके नीचे है एल्बर्स। ठीक है, उसके नीचे है एल्बर्स और नीचे है जैग्रॉस माउंटेन। ठीक है, जैग्रॉस माउंटेन। तो सबसे ऊपर माउंट दमावंद, फिर एल्बर्स माउंटेन, फिर जैग्रॉस माउंटेन। ये कहाँ पर है? ये तीनों ईरान में है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे टर्की। तो टर्की में आपको एक प्लेटू और दो माउंटेन्स मिलेंगे। प्लेटू है एनाटोलियन प्लेटू। ठीक है, टर्की आजकल काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि अजीब सी शौक चढ़ी हुई है टर्की के जो प्रेसिडेंट है उनको, कि जितने भी म्यूज़ियम है उसको मॉस्क में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका कोरा म्यूज़ियम, आपका हेगिया सोफिया म्यूज़ियम। ठीक है, तो इन सबको मॉस्क में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, सो ठीक है, बाद में कभी उसकी बात भी करेंगे। सो सी हियर, एक प्लेटू है आपका एनाटोलियन प्लेटू। ठीक है, और यहाँ पे आपको माउंटेन्स, दो माउंटेन मिलेंगे, एक है पोंटीन माउंटेन और दूसरा है टॉरस माउंटेन्स। ठीक है, टॉरस माउंटेन्स एंड पोंटीन माउंटेन्स, और यह है एनाटोलियन प्लेटू। ठीक है, राइट। और यहाँ पे देखिए इसराइल में, इसराइल में लाइक
ओके सो आई थिंक कि हमने सारे इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स कवर कर लिए यहाँ तक. ओके अनदर इम्पॉर्टेंट माउंटेन इज अल्ताई माउंटेन्स. ठीक है, यहाँ पे देखिए अल्ताई माउंटेन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ एक्टिंग लाइक अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड मंगोलिया. यह है अल्ताई माउंटेन्स. ठीक है, तो इसी के साथ सारे माउंटेन्स हमारे कवर हो गए जो इम्पॉर्टेंट थे. अब हम चलेंगे डेजर्ट की तरफ. ठीक है, वी विल गो फॉर डेजर्ट्स. सबसे पहला डेजर्ट हम यहाँ पे वेस्ट से चालू करेंगे डिस्कशन. सबसे पहला डेजर्ट है इसराइल का डेजर्ट. ठीक है, सबसे पहला डेजर्ट है इसराइल का डेजर्ट. इसराइल में देखिए जो डेजर्ट है उसका नाम है नेगीव. क्या है? नेगीव, NEGEV. ठीक है, तो इसराइल में यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा बट इसराइल में एक डेजर्ट है जिसका नाम है नेगीव डेजर्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगर आपको याद हो मैंने डेथ वैली नाम का एक डेजर्ट बताया था. कैन यू टेल मी कि वो कौन से कंट्री में है? सो अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं. ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए इसराइल का नेगेटिव डेजर्ट मिल गया. फिर उसके बाद देखिए सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया बेसिकली क्या है? ये पूरा एक अरेबियन डेजर्ट ही है और अरेबियन डेजर्ट जो है ना वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है. ठीक है, अरेबियन डेजर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स आप मार्क कर सकते हैं जैसे कि अल नफूद. ओके, अल नफूद और रुबल खली. ओके, अल नफूद एंड रुबल खली, इन दोनों को आप मार्क कर सकते हैं एज वेरी इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स इन सऊदी अरेबिया. ठीक है, और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे वापस से ईरान में. ठीक है, ईरान में देखिए आपको दो डेजर्ट मिलेंगे. एक है दश्ते कबीर और दूसरा है दश्ते लूत. ठीक है, दश्ते कबीर और दूसरा है दश्ते लूत. ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स है कहाँ पे? ईरान में. राइट, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप. ठीक है, इधर. ओके, कम हियर. ठीक है, यहाँ पे देखिए किर्जिल कुम और कराकुम, ये दो डेजर्ट है. किर्जिल कुम और कराकुम, ये दो डेजर्ट है. किर्जिल कुम है उज्बेकिस्तान में, कराकुम है तुर्कमेनिस्तान में. ठीक है, किर्जिल कुम किस में है? उज्बेकिस्तान. कराकुम किस में है? तुर्कमेनिस्तान. ठीक है, ये दो. राइट, ओके. फिर उसके बाद चाइना के पास यहाँ पे दो ही डेजर्ट है. एक है टकलामकान डेजर्ट और दूसरा है गोबी डेजर्ट. ठीक है, तो जैसे अल्ताई माउंटेन का जो बाउंड्री है वो शेयर होता है बिटवीन चाइना और मंगोलिया, उसी तरह से गोबी डेजर्ट का एक मेजर पार्ट मंगोलिया में भी प्रेजेंट है. ठीक है, ठीक है, तो ये भी शेयर होता है बिटवीन चाइना एंड मंगोलिया. और उसके बाद यहाँ पे टकला मकान डेजर्ट आप देख सकते हो. ठीक है, उसके चारों तरफ आप राउंड कर सकते हो. ओके, तो यही थे आपके सारे माउंटेन्स और डेजर्ट. ओके, आई होप कि सबको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? वी विल कवर द रिवर्स ऑफ एशिया. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी. फ्रेंड्स, माय नेम इज यज्ञसनी पात्रा. आई टीच इन अनअकैडमी लाइव. दिस इज माय रेफरल कोड यज्ञ लाइफ, YAGYALIVE. If you use my referral code, then you will get another 10% discount on your Unacademy Plus subscription. For Civil Services 2021, Odisha Foundation course has been launched. So, Nirman Foundation course, jahan ki 25th mein start hai jayche, in that, we are preparing students for Odisha Civil Services 2021. I am teaching Science, Tech and Current Affair in this particular course. So what are all my courses on Unacademy? First of all, Polity from M. Lakshmikant, part 1 has been already completed. So you can watch the recordings. And my upcoming course, Polity from M. Lakshmikant, part 2 will just be started in June. So if you want to learn Polity from me, you can join me on Unacademy. Then complete Science and Technology for OPSC and other government job examinations. Third, Current Affairs. So weekly Current Affairs also I am covering on Unacademy platform. This is my referral code YAGYA9 and alternatively you can also use my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE for getting additional 10% discount. So, apana a referral code ko bhi use kare paribe and you can also use this referral code to get an additional 10% discount. These are my courses, so if you want to learn from me, you can join me on Unacademy Plus platform. The payment pattern is for 6 months it is 5600, for 12 months it is 7000 rupees, for 24 months it is 8400 rupees. So you will get training not only for one exam but for many, okay, under this single platform of Unacademy. In this fee structure, you will get additional 10% if you use my referral code YAGYA9, YAGYA9, or if you use my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE, okay, to get additional 10% discount. Apart from that, there is no cost EMI option available for 6 months, 12 months and 24 months on your subscription. Finally, optimism is the faith that leads to achievement. Thank you so much for watching. Have a nice day and let's crack it.